हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक 4 BHK पेंट हाउस दिखाऊंगा जो अवेलेबल है पलावा सिटी के फेस टू के लोधा सेरेनिटी में। कारपेट एरिया 2399 स्क्वायर फीट। वैसे ये फ्लैट न सेल के लिए अवेलेबल है न रेंट के लिए, बट फ्यूचर में कुछ प्रॉपर्टियां मेरे पास आने वाली है सेल के लिए, एंड ये जो प्रॉपर्टी आज आपको दिखा रहा हूँ वो रेंट के लिए अवेलेबल हो सकता है आने वाले टाइम में। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इन्होंने फ्लैट बनाया है, पेंट हाउस बनाया है, किस तरह से लिविंग रूम से लेके एवरीथिंग चीज़ें आपको मिल रही है इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल में फर्स्ट टाइम पे आए हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी प्रॉपर्टी के वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग फ्लैट पे। ये है लोधा सेरेनिटी, यहाँ पे ये है फ्लैट अवेलेबल। ये बग्गी सर्विसेज चालू किया है लोधा वालों ने सेरेनिटी के लिए, यहाँ से आप MLCP जा सकते हैं, MLCP टू यहाँ। सो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग पेंट हाउस में जा रहे हैं। सो ये है पेंट हाउस का एंट्रेंस। मेरे राइट साइड में 2 रूम्स एंड लिविंग एरिया प्लस बालकनी दिया गया है। एंटर करते ही किचन दिया गया है प्लस साथ में सर्वेंट रूम। लेफ्ट साइड में डाइनिंग एरिया एंड 2 रूम्स प्लस बालकनी। सो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सारा जो रूम्स एंड पूरा फ्लैट का टूर करेंगे। सो किचन है पहले। किचन में देखते तो एक बड़ा लार्ज साइज वाला आपको किचन मिल जाता, पैरेलल प्लेटफॉर्म वाला। सो आप देख सकते हैं ये डक एरिया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको जो किचन मिल रहा है वो बहुत स्पेशियस वाला है। ये सर्वेंट रूम है। सर्वेंट रूम का ये WC एरिया भी दिया गया है साथ में। लाइट ना होने की वजह से थोड़ा सा डार्कनेस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं ट्राई किया थोड़ा सा ब्राइटनेस देने के लिए, फिर भी आप सब लोग समझ सकते हो। सो किचन से बाहर जैसे हम लोग जाते तो राइट साइड में आपका ये लिविंग एरिया प्लस बालकनी है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो आपको लिविंग एरिया का जो साइज मिल रहा है बहुत ही बड़ा लार्ज साइज है। साथ में जो बालकनी मिल रहा है आराम से 4 चेयर लगा के आप मॉर्निंग एंड इवनिंग की चाय का मजा ले सकते हैं। सो ये है एक सिटी व्यू, आप लोग देख सकते हैं ये सिटी व्यू में। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक छोटा सा लेक देख सकते हैं, साथ में जो पलावा का डाउनटाउन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से ये तलुजा बाईपास रोड का रोड लगता है लेफ्ट साइड में, जहाँ से कि आप तलुजा जा सकते हो। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं ये बालकनी आपका। यहाँ से लिविंग एरिया को थोड़ा सा और क्लियर आप देख सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं फ्लैट के अदर जगहों पर। ये डोर वीडियो कॉल के लिए दिया गया है। ये वॉशिंग मशीन एरिया दिया गया है प्लेस, यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। उसका अलग से एक प्रोविज़न भी दिया गया है, ये सामने डक एरिया। सो ये है फर्स्ट मास्टर बेडरूम। ये आप देख सकते हैं साइज इसका, इसका जो साइज डायमेंशन है टोटल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। पूरे फ्लैट का जो साइज या डायमेंशन है वो मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, बट यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका साइज़ क्या होगा। साथ में आपको एक बहुत ही क्लियरली व्यू वाला आपको व्यू मिल रहा है यहाँ से विंडो से। सो अगर आपका प्लान है यहाँ पे पेंट हाउस लेने का तो ये वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह का है ये पेंट हाउस। सो ये है इसका WC एरिया विद द बाथटब। बाथटब का जो साइज दिया गया है वो भी स्टैंडर्ड साइज दिया गया है। फ्लैट ही स्टैंडर्ड है तो हर चीज भी एकदम लग्जरियस ही होगा। सो जा रहे हैं हम लोग सेकेंड मास्टर बेडरूम में। सो ये सेकेंड मास्टर बेडरूम का WC एरिया है। यहाँ पे आप बीच में ग्लास का पार्टीशन लगा सकते हो।
सो आगे जैसे बढ़ते, तो ये आपका मास्टर बेडरूम। इसका साइज लगभग 12x13 के आसपास का है। वार्डरोब के लिए अलग से आपको स्पेस दिया गया है, सामने आप देख सकते हो। ये देख सकते हैं आप वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस। ये राइट में मेरे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं तलुजा बाईपास रोड। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका अगर कोई भी सजेशन है या और कुछ जानना है किसके ऊपर प्रॉपर्टी के वीडियो बनाऊँ तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सो ये है आपका डाइनिंग एरिया, आप लोग देख सकते हैं। ये डाइनिंग एरिया के साथ में आपको सेकेंड बालकनी आपको यहाँ पे मिल रहा है। सेम बालकनी साइज है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं इवनिंग। और यहाँ से जो व्यू मिलने वाला है वो आप लोग देख सकते हो, बहुत खूबसूरत मिलेगा व्यू। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है लोधा ट्रिनिटी, और उसके सामने का लेक है ये। तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, कुछ दिनों में काम ओवर हो जाएगा। लाइक कुछ ये बना रहे हैं एमिनिटीज गार्डन्स, इस तरह का कुछ बना रही है। सो ये आपने पार्ट देख लिया है डाइनिंग एरिया वाला। डाइनिंग एरिया से अब हम लोग चलते हैं बेडरूम के साइज के यहाँ पर। सो अगर आप लोग यहाँ पे पेंट हाउस वगैरह देख रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो होगा। या अगर आपका पेंट हाउस आपने बुक किया है तो यही आपका इसी तरह का पेंट हाउस होगा A&B टावर में भी। सो ये है थर्ड बेडरूम, जो कि वो भी आपका मास्टर बेडरूम है। सेम डायमेंशन है, करीबन 15x17 के आसपास का कुछ अप्रोक्स है ये। तो यहाँ पे भी आप लोगों को डबल विंडो मिल जाता है। आपको आपके इस बेडरूम से भी जो व्यू मिल रहा है वो बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये लेक एंड लोधा ट्रिनिटी का ये व्यू है। तो अगर ये आपको व्यू अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से फोर्थ बेडरूम के यहाँ पर। जैसे ही फोर्थ बेडरूम के आप पे एंटर करते तो पहले ही राइट में आपका मास्टर WC एरिया लग जाता है। यहाँ पे भी आप बीच में ग्लास का पार्टीशन डाल सकते हैं। सो ये है आपका मास्टर बेडरूम। इसका साइज भी लगभग 12x10 के आसपास है या 12x12 के आसपास है। सो ये वीडियो आप लोगों को पैंतो उसका अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम पे आए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग पलावा सिटी के फेज 1 फेज 2 में या कासा प्रीमियर में कहीं भी अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं परचेज करने के लिए, रेंट के लिए, या आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी कोई है जिसे रेंट रीसेल करना चाहते हैं तो भी हमें दिए गए नीचे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप लोग कॉल करके ऐसी प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।